झज्जर में बीजेपी का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल जैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 75 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। 75 पार हम पूरा करेंगे, हमारे संगठन की शक्ति के आधार पर, हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के आधार पर, और देश में देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अगर कोई पार्टी काम कर सकती तो बीजेपी कर सकती है, जिसने धारा 370 समाप्त की है। 370 धारा और अनुच्छेद समाप्त किया, उसमें लोगों में भी और देश में भी काफी पॉजिटिव माहौल है। बिल्कुल जी, भी काफी उस पॉजिटिव माहौल को कैसे कार्यकर्ता चैनलाइज करें ठीक प्रकार से। इस मौके पर अनिल जैन ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। भाई हरियाणा के मुद्दे में विपक्ष कहीं है ही ना जी, हरियाणा में हम ही हमें, हमारी केंद्र सरकार हमारी प्रदेश सरकार इतनी उपलब्धियां कर दी हैं कि अब हरियाणा में उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस में अंतर्कलह, चौटाला में अंतर्कलह, कलह कलह है, सुलह तो हमारे पास। हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव करीब आते ही राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है और आने वाले दिनों में सियासी घमासान और बढ़ सकता है। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।